सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर, थैंक यू सर, मुबारक हो पूरी साहब। शुक्रिया, तुशीभगी, थैंक यू। गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरी का छे मंगलाय। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ओम सूर्य देवताय हेलो। कौन है तुम? मैं राधा का पति हूँ। ये शादी नहीं हो सकती। राधा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे जिंदा हाथों में दूसरी शादी नहीं कर सकती। कौन बकवास है ये? इसे धक्के मार के मारने का। खबरदार, अगर किसी ने भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो इस लगन मंडप की आग में सबकी चिता जला डालूंगा। खामोश, आगे कोई हरकत की तो मैं तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा। I'm sorry sir, मुझे खुशी है कि इन गैर कानूनी लोगों में कम से कम एक कानून का नुमाइंदा यहाँ मौजूद है। आप ही देखिए सर, ये लोग मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मेरी पत्नी की दोबारा शादी करवा रहे हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि राधा तुम्हारी पत्नी है? ये रहा हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। सावन, यस सर, रजिस्ट्रार साहब को बुलाकर लाओ और साथ में रजिस्टर भी लाओ। ओके सर। तुम्हारी शादी में गवाह कौन कौन थे? नंबर एक मिस्टर पीटर फर्नांडिस, सरकारी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल। सॉरी अरुण, मुझे आने में देर हो गई। आप सही वक्त पर आए हैं। अब आप ही ने हमारी शादी के बारे में बताइए। प्रिंसिपल साहब, ये जो कह रहे हैं सच है? बिल्कुल सच है। क्या? अरुण और राधा की शादी हो चुकी है। दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों पति पत्नी हैं। ये झूठ है, नाटक है, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई। माय डियर चाइल्ड, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने खुद आकर मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम अरुण से शादी करना चाहती हो, और ये भी कहा था कि शादी के बाद अपने डैडी को मना लोगी। अरे, ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं राजी हो गया। माय गॉड, चाचा जी, ये सब झूठ है। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ बेटी, मैं जानता हूँ। मिस्टर फर्नांडिस, ताज्जुब है कि आप लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल होकर भी इतने बड़े झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। नो डॉक्टर, जो सच है मैं उसी सच को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। साहब, ले आया। सॉरी रजिस्ट्रार साहब, मैंने आपको तकलीफ दी है। इट्स ऑल राइट, इन दोनों की शादी मैंने ही करवाई। चाचा जी, लेकिन ये देखिए, इन दोनों के दस्तखत मौजूद हैं। माय गॉड। राधा जी, जरा यहाँ आना बेटी। जी, ये दस्तखत तुम्हारे हैं? हाँ, दस्तखत तो मेरे ही हैं, लेकिन लेकिन मैंने किए नहीं। कमिश्नर साहब, शादी की शुभ घड़ी गुजरती जा रही है, कहाँ इस लुच्चे की बातों में आ रहे हैं? हमारी इज्जत का सवाल है, गिरफ्तार कर लीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर राजपुरी, इनके यहाँ सबूत और गवाह मौजूद है जिससे ये साबित होता है ये दोनों कानूनन एक दूसरे के पति पत्नी बन चुके हैं, लिहाजा ये शादी रोक दी जाए, वरना मुझे आप लोगों को एक शादीशुदा आदमी को धोखा देने और उसकी पत्नी को दोबारा दुल्हन बनाने के जुर्म में गिरफ्तार करना पड़ेगा। जी जी हाँ। नहीं, नहीं, ये मेरा पति नहीं है, ये धोखेबाज है, बदमाश है, ये मेरा पति नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, इट्स माय ड्यूटी। रुक जाओ, यहाँ क्यों आए आप लोग? राजा से मिलने आए हैं। जी नहीं, राधा से कोई नहीं मिल सकता। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? ये मेरे भाई का घर है और ये मेरे स्वर्गीय ससुर का घर है। यहाँ की हर चीज की रखवाली करना मेरा फर्ज भी है और कानूनन हक भी, इसीलिए मेरी इजाजत के बगैर आइंदा आप लोग इस घर की दहलीज पर कदम मत रखिएगा, वरना आपकी इज्जत पर बेइज्जती का दाग लग जाएगा। आई बात समझ में? बेटे, मैं तो राधा का चाचा हूँ और तुम्हारा चाचा सुसर, भला मेरे उससे मिलने से तुम्हें क्या इतराज हो सकता? चाचा, मामा, काका, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। राधा अपनी याददाश्त खो बैठी है और गुस्से में भी है, हो सकता है आपको पहचानने से इनकार कर दे, मार बैठे, और ये उम्र आपकी मार खाने की नहीं है, समझ गया ना? लेकिन बेटे, अगर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो मेरा उससे मिलना और भी जरूरी है, क्योंकि मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ। आप पागलों के डॉक्टर हैं। हाँ, और मेरी बीवी पागल नहीं है, सिर्फ अपनी याददाश्त खो बैठी है, इसीलिए आपकी जरूरत नहीं, समझे? अच्छी बात, जाते हैं।
क्योंकि आज कानून की छत तुम्हारे सर पे, इसलिए तुम अपनी जहरीली जबान के डंक से हमें डस रहे हो। लेकिन बेटा, जिस दिन ये छत गिर जाएगी और पता चलेगा कि सिर्फ तुम्हारी चाल थी, उस दिन तुम्हारी जबान को मलक से उखाड़ कर गंदी नाली में फेंक देंगे। आई बात समझ में? चल 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 फुट। अच्छा आजा, देख लेंगे। नहीं 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 नानी, मैं हजार बार कह चुकी हूँ कि वो मेरा पति नहीं है। मैं अपने स्वर्गीय पिता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं उसे जानती तक नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा। ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू सौगंध खा रही है, वो सबूत दिखा रहा है, मैं किसकी मानूं? आप इस वक्त सिर्फ मेरी बात मानिए नानी माँ। मैं झूठा हो सकता हूँ, लेकिन कानून तो झूठा नहीं हो सकता। पीटर फर्नांडिस जैसे इज्जतदार आदमी, वो तो झूठ नहीं बोल सकते। ये सब झूठ है, बकवास है, इसके पीछे कोई जबरदस्त साजिश है, ये आदमी फ्रॉड है। गेट आउट यू रास्कल। आहा शांत हो। नानी जी, इसमें इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। अपने पिता की मौत के सदमे की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है, अपनी याददाश्त खो चुकी है। What? शांति शांति। नानी जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, हमारी पहली मुलाकात दार्जिलिंग में हुई थी। दार्जिलिंग? देखो तुम झूठ। ओहो राधा, बीच में मत बोलो, मुझे भी कुछ बोलने दो। नानी जी, पहली मुलाकात में ही हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया, लेकिन इसके पिता राजपुरी के बेटे नरेश से इसकी शादी पक्की कर चुके थे, और इसमें हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने जाके मना कर सके, तो इसने कहा चलो रजिस्टर के ऑफिस में जाके शादी कर लेते हैं, और हमने शादी कर ली। क्यों, याद आया राधा? तू बकवास कर, तुम्हारा हाथ दुखने लगेगा। झूठे मक्कार फरेबी, कैसी एक्टिंग करके दिखा रहा है, जैसे सचमुच का वाक्य सुना रहा हो। तू सर पटक के मर जाएगा, फिर भी मैं यही कहूंगी, तू मेरा पति नहीं है, तू मेरा पति नहीं है, नहीं है, नहीं है। वाह राधवा, खूब हिंदुस्तानी पत्नी होने का फर्ज निभा रही हो। जिन हाथों से पति के पैर छूने चाहिए, उन्हीं हाथों से पति के गाल पर चांटे बरसा। कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन तुम पछताओगी, जिस दिन मन का अंधकार मिट जाएगा और दिल में पुरानी यादों का सूरज उगेगा, उस दिन तुम इन्हीं हाथों को जोड़कर मुझसे माफी मांगोगी और इसी गाल को प्यार करोगी। आई बात समझ में? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मकार फरेबी, आज तूने शहर के तमाम लोगों के बीच मुझे बेइज्जत किया है, इस राजपुरी के मुंह पे जूता मारा है तूने। अरे यार, तू मुझे गलत समझ रहा है मेरे भाई। कैसे ना समझूं? तूने एक शादीशुदा लड़की को मेरी बहू बनाने की हिम्मत की कैसे? मेरे भाई, मेरा विश्वास करो यार, राधा की कोई शादीवादी नहीं हुई, वो आदमी झूठ बोलता है, दैट बास्टर्ड इज अ फ्रॉड। ओके, अगर थोड़ी देर के लिए मैं तेरी बात मान भी लूं, तो ये आदमी है कौन, जाता क्या है? मैं भी नहीं जानता ये आदमी कौन है। मैं बताता हूँ सर, वो आदमी जेलर सूरज प्रकाश का छोटा भाई है। सूरज प्रकाश? कैदी जो जख्मी हो गया था, उसे अस्पताल भेजा क्या? जी साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। क्यों प्रताप सिंह, कैसी है तुम्हारी तबीयत? आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक है साहब। अच्छा, बहुत अच्छा। नमस्ते साहब। ये लीजिए हुजूर। अकरम चाचा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तुम ये गुलाब का फूल हमें तोहफे में देना कभी नहीं भूलते। मगर आप भी तो अपनी मुस्कुराहटों और प्यार के फूल हम कैदियों में बांटना कभी नहीं भूलते हुजूर। जेलर साहब। अरे जेलर साहब, ये क्या कर रहे हो, क्या बात है? आप देवता हैं जेलर साहब, मैं तो समझता था मेरी बहन की शादी कभी नहीं हो सकेगी। एक तो गरीबी, दूसरे कातिल की बहन, मुझे मालूम पड़ा आपने खुद जाकर लड़के वालों को राजी किया, मेरी बहन की शादी करवाई, अपने हाथों से उसे डोली में बिठाकर विदा किया। जेलर साहब, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। जेलर साहब। रामदीन, अगर मैं तुम सबको अपना भाई समझता हूँ, तो तुम्हारी बहन मेरी बहन हुई ना, और अगर मैंने अपनी बहन को डोली में बिठाकर विदा किया है, तो मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, तुम पर कोई एहसान नहीं किया, समझे? साहब, घर से मेम साहब का फोन आया है। ओह। नमस्ते साहब। हाँ लक्ष्मी जी, फरमाइए। जेलर साहब, इस दुनिया में जेल के कैदियों के अलावा आपके और भी रिश्तेदार हैं, कभी कभी उन्हें भी याद कर लीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। आपका एक छोटा भाई है अरुण, याद तो होगा आपको, आज वो आ रहा है। अच्छा, आपको शायद याद होगा, आज उसका जन्मदिन भी है, मैंने कुछ मेहमानों को बुलाया है, इसीलिए शाम को जल्दी घर पर आ जाइएगा। अरे हुजूर, आप चिंता मत कीजिए, वक्त से पहले आऊंगा और पूरे बंदोबस्त के साथ आऊंगा। बाय बाय।
मदन सर, आज शाम का खाना हमारे घर पे होगा और भाभी को साथ लाना नहीं भूलना। सर कोई खास बात? व्हाट्स द ओकेजन? मेरा छोटा भाई अरुण आ रहा है और आज उसका जन्मदिन है। असलियत पर आ ही गए ना। अगर चोरी ही करनी थी तो मेरा पति बनने का ढोंग करने की क्या जरूरत थी? मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? निकाल लो जितना जी चाहे माल, जो चाहे समेट लो और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। जिसके कब्जे में पूरा तालाब हो वो दो लोटे पानी चोरी करके क्यों भागेगा? तुम करोड़पति हो और कानूनी तौर पर मैं तुम्हारा पति हूं, फिर मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा। मैं चोरी करने के लिए तुम्हारा पति नहीं बल्कि तुम्हारी हिफाजत करने के लिए बना। आई बात समझ में? ये लो चाबी, जब जरूरत पड़ेगी तब ले लो। इडियट। अकबर जी। मालिक, इस मकान का और इस मकान में रहने वालों का अच्छी तरह से ख्याल रखना, ना कोई बाहर जाने पाए और ना ही कोई बाहर वाला अंदर आने पाए। ठीक है मालिक। आपकी इस तरह टहलने से क्या अरुण जल्दी आ जाएगा? चलिए बैठिए, कुछ खा पी लीजिए। नहीं, 6 बजे आने वाला था वो। नालायक निकम्मा, आपने आपको समझता क्या है? उसे मालूम है आज उसका जन्मदिन है, हम मेहमानों को बुलाएंगे और बेचारे मेहमान उसका इंतजार करते करते मायूस होकर चले गए और उस इडियट का अभी तक पता नहीं। इतना लापरवाह और केयरलेस हो गया वो। हो सकता है बेचारा कहीं फंस गया होगा, मुमकिन है गाड़ी खराब हो गई होगी। सुनो लक्ष्मी। हाँ। तुम उसकी बगावत मत करो, तुमने बचपन से उसकी तरफदारी कर करके उसे बिगाड़ दिया। भैया क्यों इतने देर से आए? तुम्हारे भैया कितने परेशान है। ओ भैया क्या हुआ? लक्ष्मी इससे कह दो मुझसे बात मत करे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या भैया? छोड़ दो मुझे। मगर मेरी बात तो सुनो ना। छोड़ दो भैया, गुस्सा थूक दो ना, प्लीज गुस्सा थूक दो। अच्छा ये तो बताओ, ये वक्त है तुम्हारे घर आने का? भैया मैं क्या करता, मैं ट्रेन से बॉम्बे आ रहा था। हाँ। तुम पुणे में एक दोस्त मिल गया, उसने कहा मैं भी बॉम्बे जा रहा हूँ। मैंने सोचा कंपनी मिल जाएगी तो मैं भी उसकी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन खंडाला घाट में उसकी गाड़ी खराब हो, बहुत कोशिश की लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। बाद में मैंने ट्रक ड्राइवर से बड़ी मिन्नत करके लिफ्ट मांगी और जानते भैया मैं कैसे आया, सामान के ऊपर बैठ गया। हाँ। देखा, मैं कह रही थी ना कोई वजह होगी और वही हुई ना, तुम खावा का चिल्ला रहे। ठीक है आओ केक काटो। चलो चलो केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अरुण डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हें हर मुसीबत हर बुराई से दूर रखे। अरुण ये क्या भैया? ये तुम्हारी भाभी और मेरी तरफ से तुम्हें जन्मदिन का तोहफा। थैंक यू भैया। Thank you.
वाह वाह वाह, रात में चोरी दिन में पूजा। ओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, लो प्रसाद लो। अरे चाचा बड़े आए प्रसाद बांटने वाले, तुम दुनिया के हजारों ढोंग कर लो, पुजारी बनो साधु बनो पंडित बनो, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। जाल? तुम मेरी भक्ति को जाल कहती हो? बिल्कुल, तुम सिर्फ मेरी दौलत पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। कौन जाने तुमने इस प्रसाद में जहर मिला दिया हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं इस घर में नहीं रहने वाली। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नानी हाँ? अब हम एक मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रह सकते। मैडम कहाँ जाएंगे बेटी? कहीं भी जाएंगे मगर यहाँ नहीं रहेंगे। अरे ये आदमी बहुत खतरनाक है, कभी भी हमारी जान ले सकता है। चलो आप लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। कौन हो तुम? ये हक तुम्हें किसने दिया? मैंने। ये मेरा आदमी, बहुत ही ईमानदार और फरमाबरदार पहरेदार। इसके होते हुए ना ही आप दोनों घर के बाहर जा सकती हैं और ना ही कोई आपको मिलने आ सकता है। तुम हम पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? मैं मजबूर हूँ नानी, आप बड़ी हैं, समझदार हैं, इसलिए मेहरबानी करके बाहर मत जाइए। और अगर मैं बाहर जाऊँ तो तुम क्या कर लोगे? मैं निर्बल क्या कर सकता हूँ, जो कुछ भी करेगा ये बलवान करेगा। वैसे ही एक बड़े हिंसावादी प्राणी है, चाकू मारने में एक नंबर के माहिर। एक बार कोशिश करके देखो, यही ढेर हो जाओगे। तुम कौन होते हो मुझे मेरे ही घर में फैस करने वाले? तुम्हारा पति। You shut up! अकबर जी, take the man. नहीं। चलो। चलो। जाओ। चलो नानी। चलो।